दोस्तों विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही जरूरी विटामिन होता है। हमारे DNA और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए भी विटामिन B12 अहम रोल निभाता है और जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है उसे भी सही तरीके से काम करने के लिए भी विटामिन B12 ही रोल निभाता है। तो आप जान सकते हैं इसके कितने सारे फायदे हैं। बट दोस्तों जब आप इसका मेडिसिन लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे होता है, कम से कम 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। पर डॉक्टर पसंद करते हैं इंजेक्शन लगाना, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही जल्दी आता है, बहुत ही फास्ट 1 से 2 दिन के अंदर आपको इफेक्ट दिख जाता है। आपकी जो कमजोरी हो रही है वो दूर हो जाती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है विटामिन B12 से रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम आपकी जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट होती है। पर फ्रेंड्स अगर आप प्रॉब्लम जानना चाहते हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर 2 वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, आप वो जाके जरूर देखें। वीडियो की भावनाओं में आप खो जाएंगे, इसलिए अभी से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। अगर आप अच्छी नींद लेने के बाद भी थका थका महसूस करते हैं और मूड लेस महसूस करते हैं तो इसका मतलब विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और एक बहुत ही कॉमन साइन होता है विटामिन B12 की कमी को पहचानने का, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर किसी व्यक्ति का फेस अगर येलो पड़ने लगे, चेहरे में पीलापन आने लगे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इसकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जो विटामिन B12 का जो नॉर्मल रेंज होता है वो एक व्यक्ति के अंदर, जो एक वयस्क व्यक्ति है उसके अंदर 6 माइक्रोग्राम होता है। अगर वो बच्चे को दिया जाए तो बच्चों में बहुत ही, अगर 10 साल का बच्चा है तो 3 माइक्रोग्राम, अगर बच्चा 5 साल का है तो 1 से 2 माइक्रोग्राम, और अगर 5 साल से भी कम है तो 0.5 माइक्रोग्राम से 1 माइक्रोग्राम तक दिया जाता है, वो भी सिर्फ डॉक्टर के अनुसार, बिना डॉक्टर की सलाह के। ये इंजेक्शन तो बिल्कुल भी ना ले, वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, और अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि आपके सर में दर्द होगा, खुजली होगी और आपको अनकॉन्शियस फील होगा। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। अगर इंडिया की बात की जाए तो लगभग 80% लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग या तो शाकाहारी है या फिर वो शाकाहारी नहीं भी हैं, फिर भी वो ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 एनिमल बेस्ड फूड से ज्यादातर पाया जाता है, जैसे कि फिश, मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट, आपके दूध और दही, इन सब में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में खाया जाता है। तो फ्रेंड इसको अपने आहार में आप जरूर शामिल करें। और फ्रेंड्स कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो विटामिन B12 वाला डाइट तो ले रहे हैं बट उनकी जो बॉडी है वो उसे अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात करें अगर इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन में डॉक्टर बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं कैनोकोब्लामाइन, हाइड्रोक्सीकोब्लामाइन और विटकोफोल। ये 3 इंजेक्शन हैं जो आपको रिकमेंड किए जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा आपको दिए जाते हैं। इनका जो डोजेस होता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में दी जानी चाहिए ये सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एक वयस्क व्यक्ति में 6 माइक्रोग्राम तक आपको विटामिन B12 दिया जा सकता है। तो फ्रेंड इसका जो, वैसे तो सामान्य रूप से इसके ज्यादा कुतर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, बट कभी कभार तो ओवरडोज हो जाने पर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो जाते हैं, छोटे मोटे साइड इफेक्ट, जैसे कि नर्वसनेस फील होना, खुजली होना, तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और फ्रेंड्स अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने। सेल्फ मेडिकेशन करना आपके सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी भी आप डॉक्टर से पूछे बिना ये सब दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और अगर आप ये कोई दूसरी दवाई खा रहे हैं उसके साथ में इसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से पहले आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए आपके फैमिली डॉक्टर से, बिकॉज ये अदर मेडिसिन के साथ में बहुत ही जल्दी नेगेटिव रिएक्ट कर सकती है। इसके साथ में जो लोग भी अल्कोहल लेते हैं उनके शरीर में तो ऑलरेडी विटामिन B12 घटना शुरू हो जाता है। जो लोग भी अल्कोहल लेते हैं उन्हें बिल्कुल भी विटामिन B12 एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उन्हें अल्कोहल नहीं लेना है जब तक इसका कोर्स चल रहा है तब तक कम से कम। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप इसे ले रहे हैं उस टाइम पे आपको अंगूर का जूस भी नहीं पीना है। तो फ्रेंड इन सारी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी विटामिन B12 की कमी होती है तो डॉक्टर से पूछ के आपको ये सारी मेडिसिन लेनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल भी ना भूलें।
चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी ना जाएं, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए, जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।